हेलो एवरीवन, आज हम बोरोन नाइट्राइड की बात करेंगे कि हमारा बोरोन नाइट्राइड क्या कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो BN होता है, बोरोन नाइट्राइड। तो यहाँ पे नाइट्राइड का मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसको हम नाइट्राइड बोलते हैं। तो बोरोन यहाँ पे +3 में है और नाइट्रोजन -3 में है, तो BN का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। बोरोन नाइट्राइड का जो सिनोनम्स होता है उसको हम बोरे जोन बोलते हैं और इसी को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। तो बोरोन नाइट्राइड का दूसरा नाम क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है और बोरे जोन है। बोरोन नाइट्राइड को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रेफाइट की तरह जो है स्लिपरी नेचर का होता है और ग्रेफाइट की तरह इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। भैया केवल ग्रेफाइट क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि ग्रेफाइट तो कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बोरोन नाइट्राइड हमारा कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कारण इसको हमने क्या बोला, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोला। बोरोन नाइट्राइड का ये जो बोरेजोन फॉर्म होता है ये डायमंड से भी हार्ड फॉर्म होता है। तो बोरोन नाइट्राइड का ये जो बोरेजोन पार्ट है, बोरेजोन फॉर्म है, ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। इसके बाद बोरोन नाइट्राइड की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो बोरोन नाइट्राइड को हम बनाते हैं फ्रॉम बोरोन से। तो जब आप बोरोन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हो और बोरोन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हो, तो बोरोन को नाइट्रोजन में हमें क्या करना है, हीट करना है। तो भैया हीट करेंगे तो बोरोन नाइट्राइड बनेगा। ये ही क्यों बना, क्योंकि बोरोन नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि डिकम्पोज ना हो। तो ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इस कारण यहाँ पे बोरोन नाइट्राइड बना। यहां बोरोन है, ये अमोनिया है, तो इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा कंपाउंड बनेगा, बोरोन नाइट्राइड ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो बोरोन को अमोनिया में हीट करना है, तो बोरोन नाइट्राइड जो है हमारा बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस है हीटिंग बोरेक्स विद अमोनियम क्लोराइड। तो बोरेक्स को हमें अमोनियम क्लोराइड में हीट करना है। तो भैया देख, ये तो आपका बोरेक्स है और ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, तो इनकी रिएक्शन से आपको लग रहा होगा कि भाई ये NaCl बना और क्या बनेगा, और NH4 होल्टाइज B4O7 बनेगा। लेकिन ये थर्मली स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या होगा, ये भी डिकम्पोज होगा, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कि ब्रेक ना हो। तो देख भाई, आपका NaCl का भी डिकम्पोज नहीं होता। अब यहां पे ये बोरोन है और ये नाइट्रोजन है, तो बोरोन नाइट्राइड बनना है, और क्या बनेगा, बोरोन ऑक्साइड बनेगा, ये भी डिकम्पोज नहीं होता, और क्या बनेगा, ये वाटर वेपर बनेगी, ये भी डिकम्पोज नहीं होती। तो ऐसे कंपाउंड बनेंगे हीटिंग पे जो कि डिकम्पोज ना होते हों। फिर थर्ड नंबर की रिएक्शन है हीटिंग BCl3 एंड अमोनिया। तो BCl3 और अमोनिया को अगर आपने हीट किया 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोरोन नाइट्राइड बनेगा और HCl बनेगा। तो बोरोन और नाइट्रोजन के कंपाउंड को आप जब भी हीट करोगे तो बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन होना तय है, और रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब इस रिएक्शन का अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो बोरोन क्लोराइड और अमोनिया के रिएक्शन से BnH2 होल थ्राइस और अमोनियम क्लोराइड बना। ये बोरोन अमाइड कहलाता है और ये अमोनियम क्लोराइड है। तो ये भाई कैसे बना, तो देखो जरा, BCl3 और अमोनिया से क्या होगा, BnH2 होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि बोरोन यहां पे +3 में है और NH2 जो है वो -1 में होता है, तो यही बनेगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा, 3HCl। लेकिन ये एसिड है और अमोनिया बेस है, तो दोनों फर्दर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, तो बना हुआ है। फिर इसके बाद बोरोन अमाइड को हम फर्दर हीट करते हैं, तो यहां पे बोरोन इमाइड बना। इमाइड क्या होता है, ये होता है NH-2। फिर ये बोरोन इमाइड है, इसको हम हीट करेंगे तो बोरोन नाइट्राइड बनना है, क्योंकि यही थर्मली स्टेबल होता है, और अमोनिया बनेगा,
तो हमारा लास्ट कंपाउंड क्या होगा, बोरोन नाइट्राइड। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर की मेथड है, बोरोन ऑक्साइड को हमें हीट करना है किसमें, HgCN होल्टोइज में, मरकरी साइनाइड में हीट करना है। तो बोरोन को मरकरी साइनाइड में हीट करोगे तो क्या बनेगा, बोरोन नाइट्राइड बनेगा, CO बनेगा, CO2 बनेगा और Hg बनेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये Hg और ये ऑक्सीजन से HgO क्यों नहीं बना, तो भैया HgO जो है बहुत कम स्टेबल होता है, ये हीट करने पे तुरंत ही मरकरी और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे मरकरी का कंपाउंड अगर हीट कर रहे हो तो मरकरी बनना तो तय है, इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब चूंकि बोरोन है और ये नाइट्रोजन है तो बोरोन नाइट्राइड भी बनेगा, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा थर्मल स्टेबल कोई दूसरा कंपाउंड है होता नहीं है। फिर कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन रहे हैं। इसके बाद हम बोरोन नाइट्राइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है, इट इज अ वाइट सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है, वाटर में जो है इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। बोरोन नाइट्राइड जो है स्टीम से रिएक्ट करता है, अंडर प्रेशर रिएक्शन करानी है, ठीक है, आसानी से रिएक्शन नहीं होगी, तो बोरोन ऑक्साइड बनेगा और अमोनिया बनेगी। जो हमारा बोरोन नाइट्राइड है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करता, तो बोरोन नाइट्राइड जो है फेल टू रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, लेकिन एक मिनरल एसिड होता है HF, जिसके साथ जो है वो हमारा बोरोन नाइट्राइड रिएक्ट कर जाता है और क्या बनता है, बोरोन नाइट्राइड जो है वो HF से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम बोरो फ्लोराइड बनता है। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो जरा भाई, बोरोन नाइट्राइड है, HF है, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनना चाहिए और ये अमोनिया बनना चाहिए, तो अमोनिया तो बेस होता है तो HF इससे फिर से रिएक्ट करेगा तो ये NH4F बनेगा। और चूंकि ये आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड स्टेबल नहीं होता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन से तीन फ्लोरीन कनेक्ट हैं तो इसका तो हेक्सेट कंप्लीट है, ऑक्टेट थोड़ी कंप्लीट है, तो NH4 और ये जो F है वो क्या करता है, अपनी लोन पेयर के थ्रू जो है वो बोरोन से कंबाइन हो जाता है तो BF4 बनता है, तो अमोनियम बोरो फ्लोराइड बन जाता है। बोरोन नाइट्राइड जो है वो एल्कली से भी रिएक्टिंग करता, लेकिन बोरोन नाइट्राइड जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके पोटेशियम साइनेट बनाता है और पोटेशियम मेटाबोरेट बनाता है। तो बोरोन नाइट्राइड की एल्कली से कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट से जो है वो रिएक्ट कर जाता है तो पोटेशियम साइनेट बनता है और पोटेशियम मेटाबोरेट बनता है। अब इसके बाद बोरोन नाइट्राइड के स्ट्रक्चर की बात आती है, तो बोरोन नाइट्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट के जैसा होता है, यहाँ पे फ्लैट प्लेन हेक्सागन होते हैं, डायमंड में हेक्सागन में क्या होता है, कार्बन अटैच होते हैं, जबकि बोरोन नाइट्राइड के हेक्सागन में क्या होता है, बोरोन एंड नाइट्रोजन जो है वो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो भाई ये बोरोन है, नाइट्रोजन बोरोन 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 नाइट्रोजन बोरोन, तो ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में जो है वो चलता है। और यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होते हैं। देख भाई ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। इसके बाद बोरेजोन क्या कहलाता है, तो बोरोन नाइट्राइड का ऐसा फॉर्म जो कि डायमंड से हार्ड होता है उस फॉर्म को हम बोरेजोन बोलते हैं। तो हार्डनेस का ऑर्डर जो है वो हमारा हो जाता है, बोरेजोन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, फिर इसके बाद डायमंड होता है, फिर बोरोन कार्बाइड होता है जिसको हम नॉर्बाइड बोलते हैं, इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड होता है जिसको हम कार्बोरेंडम बोलते हैं।
तो डायमंड जो है वो हमारा नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है, नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो तो डायमंड होता है। तो फिर बोरोन नाइट्राइड जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता, इसको हम बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। अगर आप नेचर में हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करोगे तो आपका आंसर डायमंड ही होगा। तो ये हमारा बोरोन नाइट्राइड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।